यदि आप भित्तिल और मसलों से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए तिल और मस्से में अंतर होता है। तिल वो होते हैं जो स्किन से चिपके हुए भूरे, काले अथवा पीले रंग के दिखाई देते हैं। कभी कभी यह सफ़ेद भी छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। और मस्से वो होते हैं जो उभरे हुए मटर के छोटे से दाने के समान प्रतीत होते हैं, लेकिन मस्से में आप एक या दो बाल भी देख सकते हैं। और इन दोनों के लिए मैं इस वीडियो में बहुत ही कारगर और अचूक उपाय बताने वाली हूँ। एक एक करके आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें मैं आप बता रही हूँ जो कि हर एक स्किन पर बहुत अच्छी तरीके से असर करने वाली हैं। और यदि नियमित आप इनका उपयोग करते रहेंगे तो निश्चित ही आपके तिल और मस्से धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन किस स्किन पर कौन सी चीज़ लगानी है, किस स्किन पर नहीं लगानी है, यह भी इस वीडियो में मैं बताती हुई चल रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा। ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। अगर चेहरे के ऊपर एक या दो की संख्या में तिल या मस्से होते हैं तो फेस की खूबसूरती बढ़ जाती है, चेहरा सुंदर लगता है। लेकिन अगर यह बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो चेहरा कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, स्किन भी आपकी ख़राब दिखने लगती है। तो इन बहुत अधिक संख्या में तिल और मस्सों से निजात पाने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। पहली चीज़, आप एक मुट्ठी धनिया की पत्तियां अच्छे तरीके से ले लीजिए, उनको धोकर के साफ़ करें, चटनी जैसा पेस्ट बना लें। अपने धुले हुए साफ चेहरे के ऊपर आप इन धनिया की पत्तियों का पेस्ट लगाएं और 20 मिनट के लिए अपने चेहरे को छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद में सादे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। दूसरी चीज़, प्याज का रस। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है डायरेक्ट प्याज का रस ना लगाएं, उसमें बराबर मात्रा में गुलाब जल मिलाकर ही अपनी स्किन पर लगाएं। 20 मिनट के बाद सादे पानी से धो दें। अरंडी का 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच अरंडी के तेल में 1/2 चम्मच मीठा सोडा अर्थात खाने वाला सोडा मिक्स करें। बहुत अच्छी तरीके से फेंट लें। अपने तिल और मसलों के ऊपर इसका एक मोटा पेस्ट लगा दें अर्थात मोटी लेयर लगा दें। 20-25 मिनट के बाद में हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले इसका उपयोग ना करें वरना स्किन पर रेसेस हो सकते हैं। लगातार ऐसा करने से आपके तिल और मस्से दूर हो जाएंगे। आखिरी और सबसे अधिक उपयोगी चीज़ जो कि कभी भी फेल नहीं होती है, दही और कॉफ़ी का पेस्ट। 1 चम्मच ताज़ा दही लें जिसके अंदर बिल्कुल पानी ना हो, उसी के अंदर 1 चम्मच कॉफ़ी का पाउडर मिक्स करें, बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। और इस पेस्ट को कैसी भी स्किन के लोग लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, सेंसिटिव है। इसकी एक मोटी लेयर अपने चेहरे पर लगाएं जहां पर तिल और मस्से हैं। इस पेस्ट से चेहरे का रंग भी साफ होता है और हर तरह के दाग धब्बे खत्म होते हैं, अतः आप चाहें तो इसको गर्दन तक भी लगा सकते हैं। इसको लगाने के 1/2 घंटे के बाद में चेहरे को गुनगुने पानी से साफ कर लें। किसी स्पंज से पोंछकर पहले इस पेस्ट को उतार दें, उसके बाद गुनगुने पानी से धो करके चेहरे को साफ कर लें। और उसके बाद में चेहरा को सुखा करके कोई भी मॉइस्चराइजर अथवा नारियल का तेल अपने चेहरे के ऊपर मल लें। ऐसा प्रतिदिन करने से निश्चित ही आपके दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। और इन सारे उपायों में से सबसे अधिक कारगर उपाय दही और कॉफ़ी।